आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देख सकते हैं आप, ईद की तैयारी चल रही है, सब साफ सफाई चल रही है। हम लोग जो है कुशन के कवर चेंज कर रहे हैं अभी, देखिए आप। अभी ईद का काम बाकी है अभी और थोड़ा। ये पूरे कुशंस है, कुशंस को कवर को चेंज करना है, देखिए आप। देखिए ये वाला ब्लू कवर है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप सब। अभी ईद की तैयारियां भी बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है काम। इंशाल्लाह मैं पूरा जैसा जैसा काम होता है आपको बताते जाऊंगी ब्लॉग में। आप देखिए ये सब, ये हम लोग थोड़ा चेंज लिए हैं, ये दो कलर्स में लिए हैं, देखिए आप। ये ब्लू में है और इसके डिफरेंट कलर ये वाला ब्लैक में लिए हैं। आपको कैसा लगे कमेंट्स में बताइए, कवर्स कैसे लगे बताइए। ये थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सेम लीन है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करें हम लोग। आप भी कर सकते हैं ऐसा, चेंज करके भी लगा सकते हैं, अच्छा खूबसूरत दिखते हैं बहुत ये। हमेशा हर ईद में थोड़ा चेंज करते हैं ना, थोड़ा अलग दिखना, हमेशा सेम नहीं दिखना, थोड़ा थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं ना, देखिए आप। और ये वाला कैसा लगा बताइए आप। और देखिए नाज भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये मेरी बेटी है, इन्हों भी बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टेड है और मेरी बहुत हेल्प करते हैं। नाज कुछ बोलिए, नाज आप भी ब्लॉग में कुछ बोलिए, बात करिए। वो शर्माते नाज बात करने के लिए, ठीक है मैं ही बोलूँगी। देखिए आपको कैसे लगे कवर्स बताइए, बोलिए आप। मेरा न्यू ब्लॉग है, न्यू चैनल है अभी, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए हम सबको, 100K कीजिए जल्द से जल्द। देखिए आपको ये कुशंस कैसे लगे बताइए, ये वाले डिफरेंट कलर्स के, देखिए आपको कैसे लगे बताइए आप। और ये वाला बेड कवर है, इंशाल्लाह जब चेंज करेंगे पूरा बेडशीट्स हुए गालिब सब चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं इसमें, आपको कैसी लगी बताइए बेडशीट कैसी है, मैं पूरा रेडी होने के बाद में आपको बताऊंगी सब कैसा लगा, आप बताइए कमेंट में। भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, देखिए आप चाहिए बतख के जिसको बोलते चढ़ाने, ये देखिए इस पर कवर चढ़ा रहे हैं हम लोग। ये बड़े वाले तकिए हैं, बड़े वाले जो बतख के बोलते हैं वो है, इसके ऊपर चढ़ाना है फिलहाल का। ये देखिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है चढ़ाने के लिए, इसमें थोड़ा सा
आप कैसे लगे बोलिए, कमेंट्स में बताइए आप। ये थोड़ा टाइम है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। ये सेम ही चेंज कर रहे हैं, पूरे सेम कलर है ये वाले, ये बड़े वाले जो गिलाफ है पूरे सेम है। देखिए आप नाज को थोड़ा स्लो आ रहा था इसमें, आहिस्ता आ रहा था तो टाइट है बोल रहे नाज, इसीलिए मैं नाज के पास से लेके मैं कवर चढ़ा रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं पूरा आपको ब्लॉग बताऊंगी, पूरा जैसा जैसा हम लोग काम किए, जैसा जैसा पूरा काम हुआ वैसा आपको बताते जाऊंगी मैं। अभी बैटरी चेंज करना है, देखिए बताइए आपको कमेंट्स में कैसे लगे सब। ये पूरा कंप्लीट सेट बिछने के बाद में देखिए आप कैसा लगता है और बताइए कमेंट्स में ज़रूर कि आपको ये सब कैसा लगा। ठीक है, और तो हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं मम्मी को बोली कि भिंडी फ्राई करो। ये इसमें 2 चमचे तेल डाल रही हूँ, भिंडी फ्राई कर रही हूँ देखिए आप, और ये 1 स्पून ज़ीरा, और 1/2 स्पून राया, थोड़ा सा उसको लाल होने दीजिए, थोड़ा फ्राई होने दीजिए 2 मिनट के लिए। इसमें 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। ये सब मिक्स होने के बाद में आप भिंडी डाल दीजिए इसमें, देखिए भिंडी पूरी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मिर्ची सब मिक्स कर दीजिए, ये देख सकते हैं आप, ये 1 स्पून हरी मिर्ची है ये, और 1/2 स्पून हल्दी है, और नमक अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना भी लगता है वो हिसाब से आप नमक डालिए। और ये मैगी मसाला है, थोड़ा टेस्ट के लिए मैं ये थोड़ा मैगी मसाला भी इसमें डाल रही हूँ, आप भी डाल सकते हैं मैगी मसाला, बहुत टेस्टी बनेंगी ये डालेंगे तो आप। फिर ये अच्छे से पूरा मिक्स कर दीजिए आप, स्लो फ्लेम पे आप अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिए, बहुत ईजी है, एक 5 मिनट्स में आपको पूरी रेडी हो जाती, 5-10 मिनट्स में। स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट आप रखिए, फिर देखिए आसानी से रेडी हो चुकी है। देखिए भिंडी रेडी हो चुकी है, आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी भिंडी, और आपके पास किस किस की फेवरेट है ये भिंडी बताइए। हमारे पास तो सब बहुत मज़े में खाते हैं, आप भी बनाइए, और इजी रेसिपी है बना के फिर मेरे को भी कमेंट्स में बताइए आप कि आपको कैसी लगी रेसिपी और टेस्ट में कैसी है बताइए आप।
टेस्टी थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जल्द से जल्द आएगा और घर पूरा रेडी हो गया, सो वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।